दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, पर मोहन अभी भी बही खातों में सर खपा रहा है और रोहन अपनी बीवी के हाथ की गरम खीर खा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। यूपी पुलिस की चर्चा रोज होती है। आज आई तबादले और सस्पेंशन की नई लिस्ट। तबादले में यूपी पुलिस के 14 अधिकारियों के नाम सामने आए। इसके अलावा नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी वैभव कृष्ण को सस्पेंड किया गया। यूपी में पुलिस अधिकारियों के इस बड़े और व्यापक तबादले के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से कई लोग उस लिस्ट में शामिल थे, उस खत में इनका जिक्र था जो नोएडा के एसएसपी वैभव ने अपर मुख्य सचिव गृह यानी यूपी प्रशासन को सौंपी थी। 2020 की शुरुआत होते होते एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण किसी से आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। इसके बाद वैभव ने खुद पुलिस में शिकायत की और लिखा कि आरएसएस के कार्यकर्ता यूपी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों के साथ मिलकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का रैकेट चला रहे हैं। तो ये दो चीजें एक साथ हुई। एक तरफ जो वैभव ने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपने साथ के कुछ आईपीएस अधिकारियों और कुछ नेताओं का जिक्र किया, कुछ पत्रकारों का जिक्र किया, उन पर इल्जाम लगाए और साक्ष्य देने की कोशिश की। दूसरी तरफ वैभव कृष्ण के निजी आचरण के बारे में बताते हुए कथित तौर पर चैट और वीडियो भी वायरल हुए जिनके बारे में उन्होंने शिकायत की। हुआ क्या कब? 1 जनवरी 2020 व्हाट्सएप पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट और वीडियो चैट लीक हुआ। इस लीक में कथित तौर पर नोएडा के एसएसपी वैभव एक लड़की को अपनी तस्वीरें भेज रहे थे और बातें कर रहे थे जो अश्लील थी। लीक वाले वीडियो में वीडियो बनाने वाला शख्स नजर नहीं आता। वीडियो सामने आते ही वैभव ने कहा कि ये एडिटेड है, मॉफ्ड है, डॉक्टर्ड है, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 20 थाने में आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अश्लील सामग्री बनाने और वितरण संबंधी धारा में FIR दर्ज कराई। इस दिन शाम को वैभव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भी इस वीडियो को छवि धूमिल करने की नियत से बांटेगा उसके खिलाफ भी केस किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह मेरी अपील है कि किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा ना दिया जाए। गोपनीयता सभी का अधिकार है और कोई भी मेरा मॉफ्ड वीडियो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। पत्रकारों ने FIR के बारे में पूछा तो वैभव कृष्ण ने कहा कि ये उनके काम से जुड़े लोगों की साजिश है। कहा कि वीडियो में जो फोटो दिख रही है वो मेरी है जिसकी सहायता से वीडियो को एडिट किया गया। अगली तारीख यानी 2 जनवरी को नोएडा एसएसपी ने एक और बड़ा बम गिराया। उनके हवाले से बात आई कि यूपी पुलिस के कुछ अधिकारी आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रांसफर और पोस्टिंग का खेल कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सभी इसके लिए मोटी घूस ले रहे हैं। वैभव कृष्ण ने प्रशासन को भेजी गोपनीय रिपोर्ट को लीक कर दिया, ऐसा उन पर इल्जाम लगा। इसमें 5 आईपीएस अधिकारियों का नाम आया। 9 हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर तक के नाम इस लिस्ट में थे। रिपोर्ट में चंदन राय और अतुल शुक्ला का नाम भी आया। चंदन राय बताए गए पत्रकार और अतुल शुक्ला के लिए कहा गया कि उनके बड़े भाई सुनील शुक्ल यूपी के सूचना विभाग में कार्यरत हैं। खुद अतुल शुक्ला क्रक्सा पब्लिसिटी लिमिटेड नाम से फर्म चलाते हैं जिसका काम यूपी सरकार के कामकाज का प्रसार करना है। एसएसपी के लेटर के मुताबिक अतुल शुक्ला का संबंध संघ से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। उनके अलावा चंदन राय का नाम है जिनकी एक आईपीएस अधिकारी से बातचीत का ऑडियो सामने आया कथित रूप से। कौन से आईपीएस अधिकारियों का जिक्र किया गया? पहला नाम अजयपाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामपुर। रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त 2019 को पत्रकारिता की आड़ में संगठित गिरोह चलाने के आरोप में जिन 5 कथित पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उनमें से जब 4 को गिरफ्तार किया गया तो उनसे संबंधित जांच में पाया गया कि आईपीएस अजयपाल शर्मा इन अभियुक्तों के संपर्क में थे। चंदन राय व अजयपाल शर्मा के बीच बातचीत की 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली जिसमें उनकी पोस्टिंग मेरठ कराने की एवज में 80 लाख रुपए लिए जाने की बात सामने आई। 50% एडवांस और बाकी रकम 1 माह के अंदर देने की बात रिपोर्ट में लिखी गई। दूसरा नाम सुधीर सिंह का सामने आया, वो एसएसपी गाजियाबाद थे। रिपोर्ट में इनके संदर्भ में एसएमएस का जिक्र आया जिसमें चंदन रॉय द्वारा इंस्पेक्टर संजय वर्मा को सिहानी गेट गाजियाबाद थाने का चार्ज दिलाने के लिए सुधीर सिंह से कहने की बात थी। सिहानी गेट थाने का चार्ज देने से मना करने पर चंदन द्वारा विजयनगर थाने का चार्ज देने के लिए कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर सिंह ने बात इधर उधर न होने का हवाला देकर शाम को मिलने के लिए बुलाया था। खत में तीसरा नाम था गणेश साह का, पुलिस अधीक्षक बांदा। इनके बारे में वैभव कृष्ण ने SMS का जिक्र किया और कहा कि गणेश साह और चंदन राय की गाड़ियां निकलवाने के बदले पैसे के लेन देन की बात हुई, साथ ही अकाउंट डिटेल और पैसे भेजने की बात भी हुई। चौथा नाम राजीव नारायण मिश्र, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुशीनगर और अभी SSP STF लखनऊ। इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति के आरक्षी अनिल तिवारी को जनपद कुशीनगर में एक और महीने के लिए संबद्ध कराने की बात कही।
साथ ही राजीव नारायण मिश्र ने कई और पुलिस चौकियों और आरक्षियों के तबादले रुकवाने के संबंध में व्हाट्सएप पर बातचीत की, ऐसा वैभव कृष्ण ने अपनी रिपोर्ट में कहा। हिमांशु कुमार पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर, इनके बारे में अतुल शुक्ला और चंद्र रॉय के बीच बातचीत हुई। कहा गया कि इनकी ट्रांसफर का रेट तय हो रहा था, बिजनौर के लिए 30 लाख, बरेली के लिए 40 लाख और आगरा के लिए 50 लाख का रेट। इन पांचों अधिकारियों से जब मीडिया ने बातचीत की तो अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपने जवाब से जांच अधिकारियों को अवगत करा दिया है। कहा जाता है कि पुलिस महकमे ने वैभव कृष्ण के इस तरह सार्वजनिक रूप से अपने ही महकमे के बारे में सवाल उठाने को ठीक नहीं पाया। उनका मानना था कि अगर आपको शिकायत करनी थी तो गोपनीय चैनल्स में की जाती, क्योंकि इससे पूरे विभाग की भद्द पिटती है। और ये जाहिर भी हो गया उसी दिन जब ये चिट्ठी सामने आई और शाम को यूपी के डीजीपी ने अवनीश अवस्थी और दूसरे आईएएस लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें ओपी सिंह जो यूपी के डीजीपी, उन्होंने साफ कहा कि नोएडा एसएसपी ने सर्विस के नियमों का उल्लंघन किया है। तभी यह तय माना जा रहा था कि उन पर कार्रवाई जल्द होगी। अब अधिकारी आचरण नियमावली यानी कॉन्डक्ट रूल्स का उल्लंघन करने के आरोप में वैभव को सस्पेंड कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ के एडीजी एसएन सावत इस केस में जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपेंगे। और चिट्ठी में जिन आईपीएस अधिकारियों पर इल्जाम लगे थे उन सब का ट्रांसफर हुआ है। और पुलिस की जबान में कहूं तो ऐसी पोस्टिंग मिली है जिसे शंटिंग या पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता है। किसी को भी जिला नहीं दिया गया है। आगे क्या होगा, ऐसा नहीं कि उन सब अधिकारियों को फौरी तौर पर बरी कर दिया गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग के बाद अब सुई एसआईटी की तरफ, क्योंकि 15 दिन में ट्रांसफर पोस्टिंग के इस कथित रैकेट की जांच होनी है, रिपोर्ट दी जानी है सरकार को। जिन अधिकारियों की जांच होनी उसमें ये 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा जांच के दायरे में मुख्य सचिव के मीडिया कार्यालय के निदेशक दिवाकर खरे, पीसीएस गुलशन कुमार और पीसीएस रजनीश का नाम शामिल है। जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एसआईटी का गठन किया है। इसमें अवस्थी के साथ ही अमिताभ यश जो कि एसटीएफ के आईजी हैं और विकास गोठलवाल यूपी जल निगम के प्रबंध निदेशक, ये सब बतौर सदस्य शामिल हैं। यानी अब इस जिन को बोतल में वापस जाने में कुछ वक्त तो लगेगा ही।